मधु कुंवर नामक एक व्यक्ति राजा समुद्रदत्त के यहां पर नौकरी किया करता था। उसका परिवार बहुत सुखी था और जितना मिलता सब कुछ संतोष से वो अपने जीवन को जिया करते थे। एक दिन जब वह जंगल से गुजरकर घर जा रहा था, तब उसको आवाज आई, क्या तुम 7 घड़ा सोना लेना चाहोगे? इतना सुनते ही मधु कुंवर के मन में लोभ ने जन्म लिया, यानी लालच पैदा हुआ, और उसे बिना सोचे और विचारे हाँ कह दिया। जब वो घर पहुंचा तो उसने 7 घड़ों को अपनी नजरों के सामने पाया और यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित और विस्मित भी हो गया। उन 7 घड़ों में से 6 घड़े पूरे सोने से भरे हुए थे और 1 आधा खाली था। बस अब क्या होना था, लोभ और लालच ने मधु कुंवर के संतोष का हरण कर लिया। उसके दिन की शांति और रातों की नींद उस आधे घड़े को बाकी भरने में लग गई। अब हर समय परेशान रहता, बेचैन रहता, रात दिन मेहनत करता, जैसे तैसे करके कुछ सोना जुटाता और उस पर भरने की कोशिश करता। क्योंकि वो राजा का बड़ा खास सिपाही यानी उनका आदमी था, इसलिए कुछ लोगों ने राजा से कहा कि आपका जो आदमी मधु कुंवर है वो बड़ा परेशान है। राजा ने उसकी हालत देखी और उससे प्रश्न किया, क्यों मधु कुंवर, कहीं तुम्हें यक्ष के 7 घड़े तो नहीं मिल गए? मधु कुंवर बोला, जी महाराज, वो 7 घड़े मुझे मिले हैं, लेकिन उसमें से 1 आधा खाली है। महाराज हंसते हुए बोले, अरे वो घड़े देने नहीं बल्कि लेने के लिए आए हैं, उन्होंने तुम्हारा सब धन ले लिया है। मधु कुंवर बोला, लेकिन महाराज मेरे पास तो कोई धन है ही नहीं। राजा ने कहा, मित्र, संतोष और शांति, परिवार के साथ आनंद करने का जो धन है, जिसके पास ये धन है वही सुखी है, और जब से तुमने उसे गंवाया है तब से 6.5 घड़े भी तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहे हैं। संतोष ही वो अनमोल रत्न है जिसके माध्यम से सुखों की अपार संपदा अर्जित की जा सकती है। क्या आप प्रिय साथियों, दर्शकों, ये जानते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? संतोष। संतोष का यह मतलब कतई नहीं है कि आप अब आगे नौकरी, व्यापार, कर्म नहीं करें, कर्म करते जाएं, लेकिन लालच एक चीज को ज्यादा बढ़ाना दूसरी चीज को घटाने के समान होता है। जीवन में अगर आपको शांतिपूर्वक नींद नहीं आती है, आप अपने परिवार को, अपने आप को समय नहीं दे पाते हैं, सिर्फ धन अर्जित करने उस घड़े को भरने में लगे रहते हैं जैसा मधु कुंवर ने किया, तो मधु कुंवर राजा की सारी बात को उस वक्त समझ गया, क्या आप समझ पाए हैं? और उसने ठान लिया कि अब वह कभी भी उस घड़े को भरने में अपना संतोष नहीं खोएगा, अपना चैन, रात की नींद नहीं खोएगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि संतोष रूपी अमूल्य धन क्या आप खो रहे हैं? इससे सीख लीजिए प्रिय साथियों, और संतोष ही अमूल्य धन है, जिसको आपने अगर प्राप्त कर लिया है तो आप संसार में सबसे ज्यादा सुखी हैं। नहीं तो छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढिए। सबसे ज्यादा धन किसी के पास आज तक नहीं आया। जो कल विश्व का सबसे धनी आदमी था वो आज सेकंड हो चुका है, जो 5वें नंबर पर था वो 1 नंबर पर आ चुका है, 1 नंबर वाला 10 नंबर पर चला जाएगा, ये जीवन में चलता रहेगा। लेकिन आप याद रखिए कि आज और अभी आपको ये संकल्प लेना है कि जो है उसमें सबसे पहले धन्यवाद दीजिए और आनंद लूटिए, और जो नहीं है उसके लिए सिर्फ एक लिमिटेड समय में प्रयास करते रहें, दुखी और लालच मत दिखाइएगा। मुझे लगता है कि ये सोचकर या ये सोच अपनाकर आप अपने जीवन में संतोष ला ही देंगे। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। ग्रहों का खेल कार्यक्रम के आज का राशिफल प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत ही शुभ दिन है, श्री काल भैरव अष्टमी है। इसके पावन अवसर पर आप यानी मेष राशि से लेकर मीन राशि वाले लोगों के लिए विशेष उपाय होंगे, जिसे देखना, अपनाना और अपनों को बताना शुभ रहेगा। चंद सेकंड आप लोगों को चाहूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग पर। ये 7 दिसंबर सोमवार का आप राशिफल देख रहे हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस और श्री काल भैरव अष्टमी है। आज शाम को 6:47 तक सप्तमी और बाद में अष्टमी तिथि रहेगी। आज दोपहर को 2:31 तक भगा नक्षत्र और बाद में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज भी ग्रहों से बनने वाले बुधादित्य योग और वाशी योग का साथ मिलेगा। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और मालव योग का लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, आज चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। आपको निडर बनाने के लिए आज के दिन शुभ कार्य के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन करने, मीटिंग या फैसला करने के लिए आपको शुभ समय 2 बार मिलेगा। पहला 10:15 से 11:15 के बीच में शुभ का चौघड़िया है, और दोपहर को 4-6 लाभ और अमृत का चौघड़िया है। वहीं 7:30 से 9 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। प्रिय साथियों, जब 6 राशि आप देख लेंगे तो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के विशेष पॉजिटिव उपाय बताऊंगा, जिसे अपनाना और अपनों को बताना शुभ रहेगा।
कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि भोलेनाथ शिव जी की क्या कोई एक बेटी भी थी, और थी तो कौन और क्या नाम था? इसका जवाब मैं कार्यक्रम के अंत में दूंगा। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपको एक अच्छी संतान बनना है। आप बड़े बुजुर्ग हैं, फिर भी आप अपने माँ बाप की तो संतान ही हैं, तो माता पिता के लिए सुखी जीवन के लिए उनको शांति मिले। अगर आपके पास अपने माता पिता नहीं है, जैसे मेरे नहीं है, तो आज मेरे माता भीतर तो ही, माता पिता के वचन, उनकी कुछ बातें तो दिमाग में ही है, उनके लिए आज को शुभ करने का दिन है। वर्क प्लेस पे आपके सबऑर्डिनेट्स पर्याप्त सहयोग करेंगे। नया वीक डेज शुरू हुआ है। नौकरी बदलने के बारे में या नौकरी में बदलाव के बारे में अगर कुछ सोच रहे हैं तो आप सही सोच रहे हैं। बिजनेस से संबंधित समस्याओं में आज कमी आएगी और नए कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। आत्मसम्मान और विश्वास आज बढ़ेगा। परिवार में प्रेम और प्रतिष्ठा अर्जित करने की पूरी संभावना है। मेहनत ज्यादा जरूर करेंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको धन कमाने के, अच्छे मेहनत करके आपको लाभ कमाने के दो बार मौके बनेंगे। आज आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनकर अपनी किस्मत को आजमाने का वक्त मिलेगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर आपका साथ जरूर देंगे। आप कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, कुछ ऐसा काम जो आपके दिल से जुड़ा हुआ है उसे दिमाग से अपनाकर निश्चित रूप से लाभ लूट लेंगे। आपको कुटुंब से अचानक कोई लाभ प्राप्ति के संकेत मिल रहे हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन सुस्ती आपको परेशान करेगी। मेष राशि वाले लोगों के लिए श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर कर्ज से छुटकारा, धन को प्राप्त करने और खर्च को कम करने के लिए शाम के समय हाथ पैर मुंह धोकर भैरव जी की विधिवत पूजा अर्चना करें, उनको नमन करें। उनका 6 मिनट तक ध्यान करना बड़ा शुभ रहेगा। लकी कलर ब्राउन नंबर 1 शुभ रहेंगे। वृषभ राशि, जमीन और जायदाद से संबंधित मसलों को सुलझाने का आज का दिन है। इसके लिए आप जमीन और जायदाद से संबंधित कोई खरीद फरोख्त करना, डॉक्यूमेंटेशन, रेनोवेशन, अपनी पैतृक या स्वउपार्जित संपत्ति पर जाकर आना, कुछ भी उससे जुड़े हुए मसलों को हल करने का शुभ दिन है। वर्क प्लेस पर आप कमजोर और बीमार आप हल्के से महसूस करेंगे, लेकिन ये सिर्फ महसूस होगा, ऐसा होगा नहीं। एनर्जेटिक अपने आप को फील करिए, सब ठीक हो जाएगा। जॉब में काम की गति के मामले में ज्यादा उतार चढ़ाव की जो परेशानी है वो आपको आज भी झेलने को मिलेगी। आप कोई ऐसा काम मत करेगा जिसमें आपकी गलती की वजह से नौकरी या नौकरी में कोई तकलीफ आ जाए। व्यवसाय में उन्नति होगी और विस्तार के लिए आज अच्छे ग्राहक आपको मिलेंगे। शेयर मार्केट में, वायदा बाजार में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा। आपके व्यावसायिक भागीदारों के साथ अच्छे संबंध, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो थी, डिफरेंस ऑफ व्यूज थे वो आज कम हो जाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि खुद सेल्फ असेसमेंट करके अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को खुद करें। किसी पर भरोसा करके पैसा गंवाने के भी चांसेस हैं। बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क करने और आराम को त्याग करके, भौतिक सुखों को त्याग करके आज मेहनत करने का दिन है। किसी पारिवारिक समस्या को लेकर आपके मन में बहुत दुविधा और तनाव रहेगा, जिसे दूर करने के लिए छोटा या बड़ा सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन लगाना, काम में डेडिकेशन और डिसिप्लिन पाना आसान नहीं होगा। दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ और रिलेशनशिप में कोई दुखद समाचार, ऐसा जो आपके काम का ना हो, आपको दिल से पसंद ना आए, वो जवाब किसी से मिल सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर घर में सुख शांति और समृद्धि और भैरव जी का आशीर्वाद आपको हमेशा मिले, इसके लिए उनके सामने गूगल धूप जलानी चाहिए और उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। लकी कलर सिल्वर नंबर 4 शुभ रहेंगे। मिथुन राशि, छोटी या बड़ी, भाई या बहन, खबर ऐसी बनाने वाले हैं जो परिवार को रास आने वाली है। व्यवसाय के लिए दिन राहत भरा है, इससे पुराने काम भी निपटाएंगे, पैसा भी कहीं से आएगा, आपके खर्च और कर्ज भी कम हो जाएंगे। बंदी की मार में इस नेगेटिव माहौल में आपको कुछ न कुछ अच्छा सुनने करने का मौका जरूर मिलेगा। हाँ, नौकरी में सकारात्मक स्थिति, हल्का वातावरण, कुछ एनर्जेटिक वातावरण बनाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आएगी। और वर्क प्लेस में उन्नति के लिए आज कुछ स्पेशल करना होगा। नियमित जीवनचर्या में कुछ रूटीन में बदलाव लाने का निर्णय आज आप लेने वाले हैं। अपने पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याओं का सामना हमेशा करना पड़ता है, आज आपको भी करना पड़ेगा। जब आपको लग जाए कि आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तभी आप उस समस्या में कूदने की कोशिश करेगा, वरना दूर रहें। दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ में एक शानदार दिन और कुछ खरीदने का, कुछ ऐसी बातें करने का जो दिल से जुड़ी हुई है, मौका मिलेगा। सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं से आज आपको कमी मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समस्या जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज टीचर, कोच, मेंटोर, किसी विशेष व्यक्ति से अपने मन की बात करके आप समाधान जरूर प्राप्त करेंगे। आपको अपने परिवार का सहयोग, समर्थन जरूर मिलेगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर
आप अपने आसपास से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए एक काले कपड़े में 1.25 किलो उड़द की दाल लेकर भैरव जी को चढ़ाने चाहिए। साष्टांग दंडवत प्रणाम करें, आशीर्वाद मिलेगा। लकी कलर ब्लू, नंबर 3 शुभ रहेंगे। कर्क राशि, पैसे से पैसा कमाना, पैसे को जोड़ना, शेयर मार्केट, वायदा बाजार, जमीन में अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। खर्च और कर्ज को कम करना एक बड़ा चैलेंज होगा। आपके काम को सराहना जरूर मिलेगी, लेकिन आज विरोधियों का और जो जलन वाले लोग हैं उनका सामना आपको करना पड़ेगा। नौकरी में कार्य के मोर्चे पर अनुकूल परिस्थितियां जरूर रहेगी, साथ ही कोई ऐसी खबर जो खुशी दिला सकती उसके चांसेस ज्यादा हैं। व्यापार में लाभ के संकेत मिल रहे हैं, कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। बस अपने राज, अपने काम करने स्टाइल किसी को मत बताइए, अपना काम करते रहिए। वर्क प्लेस पर पदोन्नति, मन की बात बॉस से करना, बॉस से बात करके कुछ अच्छा प्राप्त करना, इसके चांसेस बन रहे हैं। परिवार में आप अपने सभी कर्तव्यों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। अधिकार का और कर्तव्यों का एक सेपरेशन आप जरूर करवाएंगे। आप अपने जीवन साथी, लव लाइफ और रिलेशनशिप में स्वास्थ्य के बारे में हल्की सी चिंता रखेंगे और उस पर पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आज पैसा किसी और के स्वास्थ्य पर भी खर्च हो जाए, किसी पर आपका मन आ जाए कि आप कुछ स्पेशल करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को परिश्रम के साथ साथ लगन दिखानी होगी। आज कर्क राशि वाले लोगों के लिए श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर अगर आप कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं तो सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकौड़े बनाकर उनकी आग में 21 आहुतियां दीजिए, कष्ट खत्म हो जाएंगे। लकी कलर रेड, नंबर 8 शुभ रहेंगे। सिंह राशि, IQ EQ लेवल बौद्धिक और बुद्धि का विकास होगा। आज याददाश्त अच्छी होगी, कुछ अच्छा टॉनिक मिल जाएगा, कुछ पुरानी बातें याद आ जाएगी जो आपको अच्छी लगेगी, कुछ इनोवेटिव आइडियाज आएंगे जो आपका और आपके अपनों का दिन बना देंगे। इसलिए पूरा एंजॉय करिए, दिमाग का पूरा इस्तेमाल करिए। आपको वर्क प्लेस पर अधिक भागदौड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ मेहनत करके अच्छा लाभ कमाने की जरूरत है। बिजनेस में कुछ हद तक तेजी जरूर आएगी और सकारात्मक वातावरण बनाने में आपको मदद मिलेगी। टहलते वक्त, बात करते वक्त किसी अनुभवी व्यक्ति से मिलकर आज निश्चित रूप से बिजनेस में कुछ अच्छा सीख के आप इस्तेमाल करेंगे। नौकरी में सरकारी मामलों में कुछ राहत मिल जाएगी। अगर आप सरकारी किसी लफड़े में फंसे हुए हैं, विभागीय कार्रवाई यानी डिपार्टमेंट इंक्वायरी चल रही है, कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई विरोधी है, आज उससे राहत मिल जाएगी। टैक्स रिटर्न या फाइनेंस से संबंधित मसले निपटाने के लिए आज के प्रयत्न शुभ रहेंगे। आपके काम से जुड़ी हुई कोई खबर आज खुशी जनरेट करेगी। परिवार में लोग आपकी सलाह मानेंगे, लेकिन बिना मांगे मत दीजिएगा सलाह। स्वास्थ्य का ध्यान रखना क्या किसी और की जिम्मेदारी हो सकती है? कतई नहीं, सिर्फ आपकी जिम्मेदारी। इसलिए आप अपना और अपनों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करें। आज कमर में दर्द और सर में दर्द परेशान करेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए आज आसान नहीं रहेगा। रोमांच, रोमांस, घूमना फिरना, सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, इसमें मन इतना ज्यादा लगेगा कि पढ़ाई से विमुख हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करिए। श्री काल भैरव अष्टमी के अवसर पर सिंह राशि वाले लोगों के लिए जीवन में मिठास लाने और अपने जीवन में कड़वाहट को दूर करने के लिए भैरवनाथ जी को दूध जलेबी का भोग लगाएं और उनके आगे घी का दीपक प्रज्वलित करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उल्टे कान पकड़ के अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए क्षमा याचना करें अपनी गलतियों के लिए। लकी कलर मैरून, नंबर 5 शुभ रहेंगे। कन्या राशि, आज कॉन्टैक्ट बढ़ाने का दिन है, कॉन्टैक्ट से कोई कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने का दिन है। इसलिए पुराने ग्राहक, पुराने पड़ोसी, पुराने बॉस, पुराने सबॉर्डिनेट से वापस कम्युनिकेट करिए, मजा आ जाएगा। व्यवसाय में मंदी, कब तक सोचते रहोगे? आज मंदी को दूर करके आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने का दिन है। नौकरी में आपके प्रयास आज थोड़े निष्फल रहेंगे, इसलिए कोई ऐसी गलती मत करिएगा कि आप बॉस से अपने मन की बात करने जाएं और दिमाग से जवाब लेकर आएं। बच के रहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सुस्ती आएगी और आज डिस्टर्ब होने का दिन है। वर्क प्लेस पर सुस्ती के कारण अपना काम आप पूरा करना भूल जाएंगे और आज आधे दिन काम करेंगे, किसी और काम में मशगूल हो जाएंगे। किसी को पैसा उधार देना और लेना नए झंझट में फंसने के बराबर है। परिवार में बहस और चर्चा से दूर रहें। स्वास्थ्य बिगड़ने के हालात बन रहे हैं, इसलिए अस्वस्थ मानसिकता और अस्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति से दूर रहें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज आसानी से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने काम को अंजाम दे दिया तो मजा आ जाएगा। समाज में आपकी लोकप्रियता और प्रसिद्धि में आज हल्की सी कमी आएगी। कोई ऐसा काम आप करने वाले या जुबान से ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने वाले जो बैठे बैठे कोई तकलीफ पैदा कर दे, इससे बचिए। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती है, इसलिए प्यार, इश्क और मोहब्बत से दिन गुजारिए।
इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सोशल मीडिया से जुड़ना और सोशल वर्क से जुड़ना। प्रभु प्रार्थना में व्यस्त रहना शुभ रहेगा। कन्या राशि वाले लोगों को श्री काल भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर जीवन के ज्यादातर क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए शिव जी के नमामिश मिशान निवारण रूपम वैभुम व्यापकम ब्रह्म देव स्वरूपम इसका 21 मिनट तक जाप करना शुभ रहेगा। भोलेनाथ को आक धतुरा पुष्प अर्पित करें। लकी कलर येलो, नंबर 8 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, आइए 6 राशि के बाद बात करते हैं नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आज एक सकारात्मक प्रयोग। सबसे पहले तो आज आप जब नहाएं, रूटीन काम को पूरा करें, तो थोड़ा सा आपको हल्दी को अपने पानी में डालकर नहाना चाहिए, और जब रूटीन काम से फ्री हो जाएं तो गंगा जल से अपने घर के हर जगह को पवित्र करने की कोशिश करें। काल भैरव के मंदिर में जाएं या उनको अपने मंदिर में बैठकर याद करें। सरसों के तेल में या सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित कर सवा मुट्ठी काले तिल और सवा मुट्ठी काली उड़द अर्पित करें। और अगर काल भैरव जी का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो भोलेनाथ के समक्ष भी दीपक प्रज्वलित करके सभी सामग्री अर्पित की जा सकती है। उसके बाद कुत्ते को रोटी खिलाएं। तुला राशि, कर्तव्य आज याद दिलाएंगे चंद्रमा आपको। आशीर्वाद मिलेगा कि आप अपने अधिकार को साइड में रखें, अपने कर्तव्यों को 100% निभा सके। इससे मां बाबूजी और परिवार के लोग या उन लोगों के प्रति जो कर्तव्य निभाएंगे खुशी आ जाएगी और उनके आशीर्वाद से आपका दिन बन जाएगा। नौकरी में कार्यभार की अधिकता के कारण आपकी वर्किंग स्किल बढ़ेगी। हो सकता है दो लोगों का काम आपको अकेले करना पड़ जाए। आज फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा, कुछ पैसा कमाने का अवसर जरूर मिलेगा। दो बार लाभ के अवसर हाथ लगेंगे। बिक्री में वृद्धि के योग बन रहे हैं, इसलिए अपने प्रोडक्ट को और अच्छे ढंग से डिस्प्ले करिए। नई योजनाओं पर काम करने में आज मशगूल रहेंगे और बिजनेस एक्सपांशन के लिए किसी की मदद आपके बहुत काम आएगी। कुल मिलाकर व्यवसाय के लिए एक सकारात्मक माहौल आप बनाने वाले हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए पुरानी समस्याओं से राहत मिलने का आज का दिन है। परिवार में अत्यधिक खर्चे और बढ़ रहे कर्जे आपको भ्रमित, पीड़ित और टेंशन में डाल देंगे। इसके लिए अच्छा है कि छोटे छोटे खर्चों को पहले नोट करें, उसे अपने जीवन से हटाएं। हम सफर से नियमित बातचीत के दौरान आज शांति बनाकर रखनी है। हम सफर और लव पार्टनर की बातचीत में हाँ में हाँ मिलाने में समझदारी है। श्रीकाल भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे, परिवार के सदस्य, किसी ने कुछ करवा रखा है आप पर, कोई नजर है, टोना टोटका है, जादू टोना, ब्लैक मैजिक है, जिसके कारण आपके परिवार में शांति नहीं है, तो आप एक रोटी पर सरसों का तेल लगाकर उस पर गुड़ रखकर अपने बच्चे के सिर से 6 बार इस प्रकार से उबार कर आपको घर से दूर दराज में कहीं पर भी कोई वीरानी जगह पर जहां जीव जंतु प्राणी है, पशु पक्षी है, वहां पर रखाना चाहिए, लाभ मिलेगा। लकी कलर ग्रीन, नंबर 9 शुभ रहेंगे। वृश्चिक राशि, आज वर्कोहोलिक बनने का, वर्क में परफेक्शन लाने का, काम का नशा आपके भीतर रहेगा। काम में और डेडिकेशन और डिसिप्लिन आप दिखा पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक परेशानी थोड़ी बढ़ सकती है। अपने बॉस के साथ संवेदनशील मुद्दे और सिर्फ आपके काम की बात नहीं करें। आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल ठीक रहे इसके लिए खर्चों और कर्जों पर कंट्रोल करिए। बिजनेस में दिन मध्यम फलदायी रहेगा, कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आज डिस्टर्बेंस बढ़ सकता है। पैसा जिससे मांग रहे हैं वो ना आए और जिसको हमें देना है वो हम ना दे पाएं और हमारे कमिटमेंट और जो हमने वादे किए वो डिस्टर्ब हो जाए। इसलिए कोई वादे ऐसे मत करिए जो आपको लगता है कि पूरे नहीं होंगे। सूझबूझ और धैर्य से दिन गुजारने में ही प्रगति है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए एक ऊर्जावान दिन है। अपनी मुराद, अपनी खुशियों को पूरा करने का दिन है। यह दिन स्वास्थ्य की चिंताओं से दूर होते हुए एक्स्ट्रा और एडवांस काम करके सुधार लाने वाला दिन है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए आज भाग्य का एक शानदार स्ट्रोक लगेगा और लव लाइफ में भी बाहर आ सकती है। ड्रेसिंग सेंस, बात करने का अंदाज निराला होगा। आज श्री काल भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर अगर आप अपने किसी विशेष कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, जो चाहते ही होंगे, तो विधिवत भैरव जी की पूजा करें और उनके निमित्त अमलतास के सूखे पुष्पों का हवन करना शुभ रहेगा। इसके लिए पंडित जी अपॉइंट किए जा सकते हैं। लकी कलर ब्राउन, नंबर 7 शुभ रहेंगे। धनु राशि, आज समाज, परिवार, सोशल लाइफ में, अपने गली मोहल्ले और आसपास में कुछ स्पेशल करने का दिन है। आपकी सेहत ठीक ठाक है इसलिए एक्स्ट्रा एडवांस में काम किए जा सकते हैं। हाँ, आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, इसके लिए समय से पहले ऑफिस जाएं। डेडिकेशन, डिसिप्लिन, आंख और कान खुले रखें, मजा आ जाएगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए एक उत्कृष्ट दिन है। अपने दिल और दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करते हुए दिन बना देंगे। वर्क प्लेस में नई जिम्मेदारी और चुनौती जरूर मिलेगी और बखूबी उसको अंजाम तक पहुंचा देंगे। व्यवसाय में तेजी के लिए आज तेजी से काम करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है।
आपको पारिवारिक सामाजिक रूप से आज एक अच्छे समाचार मिल सकते हैं और लव लाइफ में यह एक शानदार दिन है। अपनी नकारात्मक सोच और क्रोध को घर के बाहर रखें और प्यार इश्क और मोहब्बत की गंगा बहाइए, आपकी शाम बनने वाली है। भाग्य स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स का साथ जरूर देगा। आप धर्म कर्म माँ बाप के आशीर्वाद से अपने जिस इष्ट देवता को मानते हैं उनको याद करके आज काम पर लगिए, भजा जाएगा। श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, वो ज्ञात और अज्ञात कोई भी हो सकता है, उसकी शत्रुता से छुटकारा पाने के लिए आपको भैरव जी के सामने हाथ जोड़कर अपने शत्रु के नाम लेकर लगातार 8 मिनट तक उनसे प्रार्थना करें और लाल पुष्प अर्पित करें, लाभ मिलेगा। लकी गला पर्पल नंबर 2 शुभ रहेंगे। मकर राशि, आज यात्रा में समस्या आ सकती है, छोटी छोटी यात्राएं की जा सकती है अगर जरूरी हो, अदरवाइज यात्रा को टालें। नौकरी में हालात सामान्य नहीं है। कारोबारियों के लिए दिन ठीक ठाक लग रहा है, बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए पुराने काम पेंडिंग काम को निपटाने में ध्यान दीजिए। अपने व्यवसाय से संबंधित समस्याओं में आज इजाफा होने वाला है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए अस्वस्थ मानसिकता वाले लोगों से दूर रहें। कुछ परेशान व्यक्ति आपको आकर और परेशान करने वाले हैं, इसके लिए आपको अच्छा रहेगा मौन व्रत धारण करें, एकांत में बैठकर अपने सेल्फ असेसमेंट से लाभ कमा सकते हैं। लव पार्टनर से हल्का या फुल्का धोखा मिल सकता है। आपका पारिवारिक अनुभव थोड़ा दुखद रहेगा। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़कर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स को वांछित परिणाम प्राप्त न होने का मलाल उदास कर सकता है। श्री काल भैरवाष्टमी के पावन अवसर पर अगर कुछ दिनों से आपको ऐसा आभास हो रहा है कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली है, अज्ञात भय आपको परेशान कर रहा है, तो उसे दूर करने के लिए आपको एक कच्चा जटा वाला नारियल लेकर श्री भैरव जी का ध्यान करते उसे जमीन पर फोड़ना चाहिए और फोड़ने के बाद उसके 2 टुकड़ों को करके बहते जल में 1 टुकड़ा प्रवाहित करिए और दूसरे को अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपको ग्रहण करना चाहिए। लकी कलर रेड नंबर 1 शुभ रहेंगे। कुंभ राशि, जीवन संगिनी और जीवन साथी के साथ अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो लव पार्टनर के साथ, वो भी नहीं है तो दोस्तों के साथ मजबूत संबंध के लिए आज कुछ स्पेशल करना होगा। दिन व्यवसाय के लिए लाभप्रद है, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह अनुकूल नहीं हुई, इसलिए फैंटेसाइज नहीं हो। नौकरी में आपकी आय के साथ साथ पद और प्रसिद्धि के लिए आज बॉस से बात की जा सकती है। वर्क प्लेस पर आपके काम की तारीफ पीठ पीछे भी होगी और साथ ही किसी से ईर्ष्या आज बढ़ने के योग बन रहे हैं और उससे झगड़ा भी हो सकता है। आप अपनी धार्मिक गतिविधि और स्पिरिचुअलिटी दान पूजा पाठ धर्म कर्म से अपनी रुचि पता लगाएंगे और आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। परिवार में अनावश्यक बहस और चर्चाओं में मत पड़िएगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आत्मसम्मान और विश्वास ऊंचा होगा, उसी से आपका दिन बन जाएगा। हाँ, वैवाहिक जीवन लव लाइफ और रिलेशनशिप में आपको हाँ में हाँ मिलाना और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ जुबान में अच्छे शब्द लाभ देंगे। श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बुरी शक्तियों से प्रभावित है, वो लगातार बीमार है, तकलीफ में है, भय बना रहता है, तो आपको भैरव जी का ध्यान करते हुए ओम ह्रीम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम इस मंत्र की 1 माला जाप करना शुभ रहेगा। लकी कलर स्काई ब्लू नंबर 3 शुभ रहेंगे। मीन राशि, आज आपको शत्रुओं से छुटकारा मिलने का दिन है, शत्रुता से भी छुटकारा मिल सकता है। ज्ञात और अज्ञात दुश्मनों से अपनी और अपनों की सुरक्षा करने का दिन है। वेतन भोगी लोग यानी जॉब करने वाले लोग वर्क प्लेस पर उपलब्धि हासिल करेंगे और आज नई जिम्मेदारियां और चैलेंजेस भी मिलेंगे। धन लाभ अर्जित करने के 3 बार मौके मिलेंगे। अच्छी खबर जनरेट करने का मौका मिलेगा। शेयर मार्केट वायदा बाजार या जमीन जायदाद में लाभ मिलेगा, आप इसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की वृद्धि के बजाय प्रोडक्ट की रीपैकेजिंग और मार्केटिंग पर ध्यान दीजिए। कुछ हद तक मंदी आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। किसी पर भी आंख मूंद कर फाइनेंशियल भरोसा नहीं करें। किसी पर भरोसा इस बात का नहीं करें कि आपने काम दे दिया और वो काम कर लेगा, इसलिए ये भरोसा आपको नुकसान देगा। आप अपने जीवन साथी और जीवन संगिनी के साथ सुखमय मैरिटल लाइफ का एंजॉय करेंगे। आज कुछ खरीदने का मन करेगा, कुछ गिफ्ट देने का, गिफ्ट का आदान प्रदान करने का मौका मिलेगा। लगन से पढ़ने के साथ या लगन से पढ़ने के कारण, लगन से खेलने के कारण स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स का आत्मसम्मान और विश्वास चरम सीमा पर होगा। आपके स्वास्थ्य के सितारे किसी अस्वस्थ मानसिकता और अस्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आकर समस्याओं के संकेत दे रहे हैं, बी अलर्ट। श्री काल भैरव अष्टमी के पावन अवसर पर अगर आप किसी मुकदमे में लीगल कॉम्प्लिकेशन लड़ाई झगड़े में परेशान है तो आज सुबह प्रातःकाल यानी स्नान अधिकारियों से पहले तो निवृत्त हो जाएं, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर दूध मिला हुआ जल अर्पित करें।
साथ ही 5 को रुद्राक्ष भी वहां अर्पित करें, आग धतूरा चढ़ाएं, हाथ जोड़कर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उल्टे कान पकड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगिए, आपका दिन बन जाएगा। लकी करो व्हाइट नंबर 4 शुभ रहेंगे। प्रिय साथियों, कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि कौन थी भोलेनाथ शिव की पुत्री। भगवान शिव सही अर्थों में परिवार के देवता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका परिवार संपूर्ण है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और श्री गणेश के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन उनकी एक पुत्री भी है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को है। हम आपको संपूर्ण शिव परिवार के बारे में बता रहे हैं, आप नोट करें। भगवान शिव परिवार के मुखिया हैं। शिव को सृष्टि का प्राण कहा जाता है। अगर शिव नहीं तो सृष्टि शव के समान है। इस कारण शिव को कालों का काल यानी महाकाल भी कहा गया है। शिव प्राण देते हैं, जीवन देते हैं और संहार भी करते हैं। भगवान शिव की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कल्प वृक्ष से कन्या प्राप्ति का वरदान मांगा। फलस्वरूप अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। अशोक सुंदरी का विवाह परम पराक्रमी राजा नहुष से हुआ था। माता पार्वती के वरदान से अशोक सुंदरी ययाति जैसे वीर पुत्र तथा 100 रूपवती कन्याओं की माता बनी। श्री गणेश और कार्तिकेय के बारे में तो आप जानते ही हैं, और माता पार्वती हम सबकी माता है। तो ये है शिव परिवार। आज का प्रश्न है, क्यों रावण ने श्री राम की माता कौशल्या का हरण किया था? अब आप इस पर रिसर्च करें, मैं इसका जवाब कल कार्यक्रम के अंतर्गत दूंगा। प्रिय साथियों, सोमवार वीकडेज आपके लिए यादगार शानदार रहे। अगर मुझसे कुछ चाहते हो तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जरूर बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रभु से प्रार्थना है कि आपका कल्याण हो। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।